नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडले। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, जहां राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपने 99 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें उसने पुराने धुरंधरों पर भरोसा जताया है। 99 में से 75 मौजूदा विधायकों पर उसने भरोसा जताते हुए कुल 3 विधायकों का टिकट भी काटा है। अब महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के लिए चुनावी पैंतरेबाजी की अगर बात करें तो अपनी पहली सूची के माध्यम से बीजेपी ने ये जता दिया है कि वो जातीय समीकरण और क्षेत्र पर पूरा फोकस रखना चाहती है, ताकि कोई वर्ग निराश ना हो। इसी कड़ी में अपनी पहली सूची में बीजेपी ने अनुसूचित जनजाति से 6, दलित समुदाय से 4 और बची सीटों पर ओबीसी और मराठा समाज पर सबसे ज्यादा दांव खेला है। ऐसे में ओबीसी समुदाय से आने वाली वंजारा, धनगर और माली समुदाय का विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही सवर्णों को लुभाने के लिए ब्राह्मण समाज से भी 6 प्रत्याशी उतारे गए हैं। इसी के साथ महिला वोटरों को साधने के लिए बीजेपी ने इस लिस्ट में 13 महिला उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। दिलचस्प यह है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में हारने वाले 2 दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारा है। चंद्रपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव हारने वाले शिंदे सरकार के वन मंत्री सुधीर मुंगटीवार को बीजेपी ने बल्लापुर विधानसभा सीट से टिकट दिया है। ऐसे ही उत्तर पूर्व लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हारने वाले मुलुंड के विधायक व पार्टी के कोषाध्यक्ष मिहिर कोटेचा पर भी भरोसा जताया है। अब जातीय और पुराने नेतृत्व को वरीयता देने के साथ ही सत्ता दल महायुति गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने क्षेत्रीय समीकरण को भी साधने का पूरा प्रयास किया है। तभी उसने उम्मीदवारों की पहली सूची में विदर्भ इलाके से सबसे ज्यादा प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें 23 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है। इसके अलावा उत्तर महाराष्ट्र की 19, मराठवाड़ा इलाके की 16, मुंबई की 14 सीटें शामिल हैं। अब ऐसे में बीजेपी की तरफ से सीट बंटवारे का यह समीकरण दर्शाता है कि बीजेपी की खास नजर महाराष्ट्र में कांग्रेस से लड़ने में भी है। तभी उसने विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र की सीटों पर खास फोकस किया है, जहां कांग्रेस से उसकी मुख्य रूप से लड़ाई होगी।